चलिए चलते चलते मखाने की खेती में लगने वाले खर्च और आमदनी का ब्यौरा भी हम आपको देते हैं। दरअसल मखाने की खेती में आपको प्रति हेक्टेयर लगभग 60,000 से 65,000 रुपये की लागत आती है। और मुनाफे की बात करें तो मखाना के बीज यानी गुर्री को विक्रय करने से शुद्ध लाभ 1,60,000 रुपये से 1,70,000 रुपये प्रति हेक्टेयर एवं आय और लागत अनुपात 7:3:1 प्राप्त होता है। अगर बिहार में खाली अनुपयुक्त जल जमाव वाले क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ लगभग 9.5 लाख हेक्टेयर ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा। इन क्षेत्रों में मखाना और मखाना सह मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निरंतर शोध कार्य में लगे हुए हैं। साथ ही साथ उनके शोध से यह भी पता चला है कि किसान मखाना के साथ मछली भी पालन कर सकते हैं। इसके लिए पूरे तालाब क्षेत्रफल का 10% भाग, जहां तालाब की गहराई अधिक हो वहां बांस के खूंटे की सहायता से एक ऐसा क्षेत्र तैयार करते हैं जिसमें मखाना का पौधा नहीं लगाया जाता है और न ही मखाना में पत्तियों को उस खाली जगह में जाने दिया जाता है। इस खाली जगह को वैज्ञानिक भाषा में रिफ्यूज एरिया कहा जाता है। मछलियां पूरे तालाब में घूमकर इस खाली क्षेत्र में आरामगाह के रूप में उपयोग करती हैं। मखाना सह मछली पालन के लिए तालाब में रेहू, कतला, मृगल मछलियों की 3 इंच की 4800 से 5200 अंगुलिकाओं को प्रति हेक्टेयर की दर से मार्च अप्रैल महीने में क्रमशः 40, 30 और 30 के अनुपात में डाल सकते हैं। बिहार एवं भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बेकार पड़े जल जमाव वाले क्षेत्रों की समग्र उचित विकास एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए मखाना उत्पादन एक बेहतर विकल्प है।